हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अपने इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं नए आने वाले यूज़र से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जल्दी से बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हम अपने इस वीडियो को आगे बढ़ाएं। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप किस तरह से अपनी ड्राई स्किन को ठीक कर सकते हैं। बहुत से लोगों को स्किन का इशू बहुत ज़्यादा होता है, चाहे वो ऑयली स्किन हो या ड्राई स्किन हो या पैजी स्किन हो या कम्बिनेशनल स्किन हो, हर तरह की स्किन का इशू बहुत ज़्यादा रहता है। ये नहीं कि परफेक्ट स्किन आपको मिल जाए, ऐसा नहीं होता। आपको प्रॉपर स्किन की केयर करने की ज़रूरत होती है। जब आप स्किन की केयर नहीं करेंगे तो फिर आपकी ये हालत तो होगी। बहुत से लोगों को स्किन ड्राई रहने का आजकल इशू है। सर्दियों में तो ये बहुत ज़्यादा इशू हो जाता है, लेकिन गर्मियों में भी ये इशू अक्सर लोगों को होता है कि ड्राइनेस का बहुत ज़्यादा इशू हो गया है। लोग रोते पिटते हैं कि इसका कोई हल बताते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, डॉक्टर्स पैसे ही बस लेते हैं और बहुत रेयर ऐसे चांसेस होते हैं कि वो आपको अच्छी वाली मेडिसिन दें या इसका कोई सलूशन बताएं। सो आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आप लोगों को गाइड करने आई हूँ। सो दोस्तों, ड्राइनेस की वजह से लोगों को जो दूसरा इशू रहता है वो है रिंकल्स का, क्योंकि ड्राई स्किन पर रिंकल्स बहुत जल्दी आ जाते हैं और ये बहुत जल्दी बूढ़ी स्किन हो जाती है। जिनकी स्किन ड्राई है उनको तो बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है। सो इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए चलते हैं अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ। एक तो ये टिप है कि आप दूध से रोज़ाना अपने फेस की क्लिंजिंग करें, चाहे वो मिल्क पैक ले लें, फ्रेश मिल्क ले लें, कोई भी दूध ले लें, उससे अपने फेस की स्किन को क्लिंजिंग करें रोज़ाना। और ये टिप ऑयली स्किन वाले भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऑयली स्किन वालों को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वो क्लिंजिंग करें और 5 मिनट के बाद फ़ौरन अपना फेस वॉश कर लें। इसको लगा के आपने सोना नहीं है। अगर ऑयली स्किन वाले इसको लगा के सो जाएंगे तो उनकी स्किन और ज़्यादा ऑयली हो जाएगी। सो दोस्तों, आपने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। फिर उसके बाद चाहे ऑयली स्किन वाले हों या ड्राई स्किन वाले हों, दोनों ही फेस वॉश कर लेंगे, लेकिन कोई भी आपने साबुन या फेस वॉश इस पे अप्लाई नहीं करना। सिंपल पानी से आप फेस को धोएंगे। सेकेंड टिप जो यूज़ करनी है आपने, वो है 1 चम्मच देसी घी, 1 चम्मच कच्चा दूध, और उसमें आपने बेसन इतना ऐड कर देना है कि एक पेस्ट के फॉर्म में आ जाए। अब आपने इस मिक्सचर को अपने फेस पे अप्लाई करना है। जब ये ड्राई हो जाए तो आपने इसको रब करके उतार लेना है पानी से। उसके बाद आपने सिंपल पानी से अपने फेस को वॉश कर लेना है। ये ड्राइनेस वाले जो लोग होंगे वो अपनी स्किन पे मॉइस्चराइज़र लगाएंगे और ऑयली स्किन वालों को लगाने की ज़रूरत नहीं है। सो दोस्तों, ये थी आज की हमारी बहुत ही छोटी सी और इफ़ेक्टिव सी रेमेडी। सो मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को तो बिल्कुल भी प्रेस करना आप लोग ना भूलें।